हर साल की तरह इस साल भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा के तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भिलाई 3 के सिरसा गेट चौक में तिरंगा फहराया गया। इस अवसर पर निगम महापौर निर्मल कोसरे सहित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरोदा के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने मिलकर भारत माता के तैल चित्र पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर शान के साथ तिरंगा फहराया। सिरसा गेट चौक में हमारे कांग्रेस के साथियों के द्वारा कई वर्षों से यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है, उसी कड़ी में आज आज़ादी के 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हमारे साथियों ने किया है। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। और जो आज़ादी हमारे वीर सपूतों ने दिलाई है, उस आज़ादी को हम लोग बरकरार रखते हुए उनकी आन बान और शान को हम लोग कायम रखें, यही सभी लोगों से अपेक्षाएं भी करता हूं। पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। देश की आज़ादी के लिए काफ़ी लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, महात्मा गांधी से लेकर उन वीर सपूतों को मैं स्मरण करता हूँ। और निश्चित रूप से जब से देश आज़ाद हुआ, तब से हम लोग पूरे आन बान और शान से न केवल कार्यालयों में, न केवल सार्वजनिक स्थलों में, अपितु तो घर में भी हम लोग तिरंगा लहराते आए हैं और आज भी हम लोग अपने घरों में तिरंगा लहराए हैं। तो ये हमारे जो तिरंगा है, आन बान और शान है हमारे देश के, हर घर में तिरंगा निश्चित रूप से लहराना ही चाहिए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा पिछले कई वर्षों से 15 अगस्त एवं 26 जनवरी को सिरसा गेट पे झंडारोहण किया जाता है और इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं सब समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और उन साथ ही उन शहीदों को मैं नमन करना चाहता हूं जिनके बदौलत आज हमें यह दिन देखने को मिला। हम आज स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं और उन्हीं की कारण है। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई।